गाइस इस टाइप में मैंने लोगो बनवाया है जो अपनी कंपनी का लोगो है। नंबर कुछ और है 3197, लेकिन इसमें कुछ और बता रहा है भैया। दिल्ली में सूखी टिक्की नहीं मिलती क्या एक्स्ट्रा? हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज मेरा दिल्ली में है दूसरा दिन और मैं अभी मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ। और वक्त देखिए गाइस अभी हो रहा है 12:29 और आज का गाइस मेरा वर्कआउट भी बहुत प्यारा हुआ है गाइस, बहुत मस्त एक नंबर आज मैंने वर्कआउट किया और खाना वगैरह खा के मस्त बढ़िया मैं रेडी हो गया हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ शॉपिंग करने, कुछ काय को गाइस काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है, काफ़ी सारी जगह जाना है मुझे और कुछ मेरे दोस्तों से मिलना है तो उनसे मिलेंगे। बाकी कैमरे का मार्केट, ड्रोन का मार्केट और लाइट का मार्केट, कपड़े का मार्केट, मतलब काफ़ी सारी जगह जाना है। सो चलते हैं गाइस। और अभी मैंने बैग वगैरह रेडी कर लिया है, देखिए बैग है, बैग में पानी की बोतल, चार्जर ये सब रख लिए मैंने। बाकी गाइस चलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या लेते हैं। बाकी कल तो गाइस बहुत ख़तरनाक शॉपिंग की थी, बहुत सारे कपड़े लेके आए थे गाइस कल तो। निकलते हैं गाइस अभी क्योंकि शाम को है मेरी ट्रेन 9 और मुझे जाना है यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से वापस मतलब मार्केट कट करके वापस आना है, फिर यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा तब जाके पहुँचेंगे वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारा सामान रहेगा हमारे साथ कल का भी और आज का भी। सो अभी निकलते हैं स्पीड से। तो गाइस हमें छोड़ने जा रहे हैं सचिन भाई, रेडी है भाई चलें। तो गाइस हमारी ऑटो आ गई है, बट आज एक समस्या लग रही है, इनका नंबर कुछ और है 3197, लेकिन इसमें कुछ और बता रहे हैं। चलेगा क्या? OTP लिखो आप 7560। क्या मतलब नंबर चेंज क्यों है ऐसा? ये नंबर भाई इसका आरसी भी नहीं है, नया ऑटो ये तो नहीं। अच्छा कच्ची आरसी चला रहा है, कच्ची आरसी। अभी मैं आया हूँ आरके आश्रम, देखिए और यहाँ से जा रहा हूँ मैं लोगों की शॉप पे। सबसे पहला काम है लोगों का, सो चलते हैं। और एक बनाना सेक बना दो। तो गाइस अभी मैं लोगों की दुकान पे आया हूँ और मैंने लोगों बुक कर दिया है, सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस इस टाइप में मैंने लोगो बनवाया है जो अपनी कंपनी का लोगो है, सो जब भी आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा। मैंने यहाँ पे देखा है बहुत प्यारा लोगो है, एक नंबर, शायद एक हफ्ते में आ जाएगा क्योंकि 2 में बताया था भैया ने कि 2 में बन जाएगा और 2 के बाद वो यहाँ से कुरियर कर देंगे और फिर शायद एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा नितपुर में। बाकी गाइस मुझे एक लोगो और अच्छा लगा है, ये वाला, ये शायद मैं कभी बनवाऊंगा क्लास पे, तो जब भी मौका पड़ेगा तब मैं बनवाऊंगा। बाकी चलते हैं गाइस अभी। तो गाइस लोगो बुक हो चुका है, अभी चलना है अपन को लाइट के मार्केट, तो चलते हैं यहाँ से सबसे पहले मेट्रो स्टेशन। उससे पहले गाइस कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है काफ़ी तेज।
लास्ट में सूखने देते क्या? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मीठा नहीं। वैसे नहीं मिलती क्या? नहीं देते लास्ट में? नहीं देते हैं, मतलब वीडियो बनाया तो दे रखे व्लॉग में। काफ़ी टाइम बच गया अपने गाइस, और एक नंबर थी, टेस्ट बढ़िया था, मस्त था। अभी चलते हैं और कुछ खाते हैं। तो गाइस अभी मैं एक दुकान पे आया हूँ, और ये मेरी फेवरेट दुकान है, और ये देखिए मैंने यहाँ से ही लिया है अभी, और भी कुछ सामान लिया है। तो मैं यहाँ हमेशा आता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मतलब कुछ पुराने ज़माने की एंटिक चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो हो गया भैया, तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ चांदनी चौक, और देखिए ये गुरुद्वारा यहाँ पे बहुत फेमस है, और यहाँ से अगर सीधा देखेंगे ना गाइस, तो देखिए आपको लाल किला दिख रहा होगा, सामने ही लाल किला होता है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की बाइक, तो देखिए तो गाइस ये ललितपुर में नहीं मिलते हैं, सो फिर मैंने सोचा कि मैं ले लूँ घर के लिए। सो मैंने एवोकाडो लिया, और ये लिया ड्रैगन फ्रूट। सो चलते हैं गाइस अब। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ कैमरा मार्केट, यहाँ पे हर एक प्रकार का कैमरा, ड्रोन, हर मतलब हर एक चीज़ मिल जाती है जो भी क्रिएटर को चाहिए। तो कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस चांदनी चौक का पूरा काम हो गया है, कैमरे का भी काम हो गया है, लाइट का भी काम हो गया है, ऑल सेट लगभग लगभग सब काम हो गया है। और अभी वक्त हो रहा है 5:47, और गाइस आज अपनी ट्रेन है 8:50 पे, सो टाइम थोड़ा सा कम है। सो निकलते हैं यहाँ से स्पीड से मामा के घर पे, और फिर वहाँ से वापस स्टेशन आना है पूरा सामान लेके। तो गाइस चलते हैं, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा अब। तो गाइस प्लानिंग में कुछ चेंजेस किया है मैंने, क्योंकि हमारे पास वक्त वैसा था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि मामा के घर पे नहीं जाते, क्योंकि अगर वहाँ पे जाएंगे तो 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना लगेगा, और अगर धोखे से ट्रैफिक मिल गया आने में या जाने में, तो गाइस मतलब लेट हो सकते हैं। वैसे हमारे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा है, मतलब अभी 3 घंटे थे हमारे पास, बट मतलब क्या पता अगर ट्रैफिक लगता। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अंकल और सचिन भाई को यहीं स्टेशन पर ला लेता हूँ। तो मैं चांदनी चौक से डायरेक्टली आ गया हूँ स्टेशन हजरत निजामुद्दीन, और मैंने सचिन भाई को और अंकल को यहीं पे बुलाया है। तो अब वो लोग यहीं आ रहे हैं, बाकी मैंने उन लोग की देखिए प्लेटफॉर्म टिकट ले ली है, तो वो लोग अंदर एंटर कर सकते हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे वो लोग आएंगे सो हम लोग जाएंगे अंदर। अभी ट्रेन के लिए काफ़ी टाइम है, लेकिन ये सही रहा है कि वो लोग आ गए तो टेंशन फ्री है, नहीं तो गाइस मतलब मैं बहुत टेंशन में जाता और फिर टेंशन में आता और वो दिक्कत ही रहती, इसलिए एंड टाइम पे फिर मैंने थोड़ा सा प्लानिंग में बदलाव किया। बाकी गाइस वेट करते हैं अभी सचिन और अंकल भाई का आने ही वाले, उन लोगों ने बताया कि 10 मिनट में आ रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। तो गाइस भाई लोग यहीं पर आ गए हैं, बट वो दिख नहीं रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ दिख गए दिख गए दिख गए गाइस, देखो वो है अंकुल, आप लोगों को यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ ये। गाइस अभी अंकुल आ गया, तो अभी अंकुल कर रहा है ब्लॉगिंग। अपने आप चलाया था नीचे।
और टिकट बेकार। चलो यहीं पर रखते हैं सामान। तो गाइस अंकुल और सचिन भाई लोगों ने हीरो वाली एंट्री मारी है आज, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए हैं। अगर ये लोग नहीं आते तो आज की ट्रेन छूट जाती। बाकी गाइस अभी सही टाइम पे पहुंच गए हैं। देखिए टाइमिंग बताते हैं आपको, 8:47 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन को अभी भी आधा घंटा है, आधे घंटे थोड़ा सा नहीं 9:20 तो हो गई है। सो अभी भी आधा घंटा है और गाइस सामान देखिए, और भी सामान था सो ये दोनों पॉलीथिन में हम लोगों ने थूस दिया है। बाकी गाइज आ जाओ सचिन भाई, साथ में ब्लॉग एंड करते हैं। बाकी गाइज मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, और दूसरे ब्लॉग को करता हूँ ऐसे स्टार्ट, क्योंकि आज का ब्लॉग मुझे यहाँ पे एंड भी करना था, क्योंकि नहीं तो फिर आज का ब्लॉग फिर कल तक चलता फिर। सो आज का ब्लॉग मैं करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।